कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। 26 नवंबर को संविधान दिवस है। इस खास दिन पर दतिया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी शर्मा संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया। न्याय संकल्प बाइक रैली को उन्होंने जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधि दिवस के मौके पर आमजन को लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों एवं संविधान के मूल अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश भी रैली के माध्यम से दिया गया। न्याय संकल्प रैली जागरूकता का संदेश देते हुए दतिया स्टेडियम पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने संवैधानिक ढांचे को बनाने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए देश के प्रत्येक नागरिक को दिए गए उनके मौलिक अधिकारों को याद करते हुए सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 26 जी सर, आज 26 नवंबर को बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का दिन है। 26 नवंबर 1950 को हमारा जो संविधान था, तो संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, और बाद में वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। सैकड़ों वर्षों की गुलामी को तोड़ने के बाद जब भारत ने लोकतंत्र को चुना अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में और एक संवैधानिक ढांचा बनाया जिसने देश की प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति वर्ण लिंग भेद का हो, उसे समान अधिकार दिए, और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान का मूल है, उसमें अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो एक छोटे से पैरा के अंदर हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके जो स्वप्न थे उनको उसमें दृष्टिगत हो जाते हैं। आज ये रैली जो हमारे एडवोकेट साथी उनके द्वारा निकाली गई है इस ऐतिहासिक महत्व के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम इसी प्रकार जो हमारे नैतिक मूल्य है, जो सांस्कृतिक मूल्य जो संविधान में परिलक्षित होते हैं, उस पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं जिला विधिक सहायता अधिकारी अंकिता शांडिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक सदस्य हूँ। आज हमारे 26 नवंबर विधि दिवस के उपलक्ष में बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसका माननीय आरपी शर्मा सर ने हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली का न्याय संकल्प यात्रा को रवाना किया है, जिसमें पैरालीगल वॉलेंटियर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी ली है। इसका मुख्य उद्देश्य यह कि गांव-गांव जाकर और सभी लोगों के बीच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में लोगों को लाभ मिल सके। समापन किसके द्वारा किया गया है? समापन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया है सर्किट हाउस से, और इसके साथ ही 11 दिसंबर को जो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसके संबंध में भी हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर्स इस रैली के माध्यम से प्रचार प्रसार।